तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ढेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतना रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमीन पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनिए मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनिए शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए जल्दी भाई बाइक पर बैठ जाए ना तू बैठ जाए ना ले ले बस शुक्र बैठ जाए ना जल्दी भाई इस तरह कैसे चलेंगे ले शुक्र जल्दी भाई प्लीज बाइक पर बैठ जाए ना कैसे बैठूं सीट पे तो टीका लगा हुआ है अरे तो चलने से दर्द नहीं हो रहा क्या ओहो तकलीफ उच्चे थी विजय वो
सर मेरी बेटी का कोई पता चला? हाँ हकीम साहब, सिविल अस्पताल से एक तस्वीर आई है बेहोश लड़की की, और मुनीर दिखा इनको जरा। जी सर। ये तो मेरी बेटी है। तो चलो ये तो अच्छा हो गया, आपकी लड़की मिल गई, जाए सिविल अस्पताल में है लड़की आपकी। हकीम साहब, जोड़ों के दर्द का कोई नुस्खा है आपके पास? पिछले 3 साल से जोड़ों में शदीद दर्द है। वैसे मुझे लगता है अगर थोड़ी देर में होश ना आया तो इसकी हालत खतरे में जा सकती है। मेरे ख्याल में जरा अंदर चल के देख लेते हैं। क्यों भाई, तू रो क्यों रहा है यार? मैं मतलब आफ्टर ऑल द मात आपा जी, वो हम जरा अंदर जाना चाह रहे हैं वो हीर को देखने के लिए। मैं कोई आपको आपा नजर आती हूँ? आंखों वाला वार्ड उस तरफ है। वो हमारी बेटी कैसी है? वैसी की वैसी है जैसी आई थी, अभी तक बेहोश है। और आप लोग यहाँ पे ड्राइंग रूम नहीं बनाए, वहाँ जाके बैठिए। हम हीर को मिल नहीं सकते? सिर्फ एक बंदा मिल सकता है, वो भी मास्क लगाकर। मास्क में सांस तो नहीं रुक जाता बंदे का? मैं देखाता हूँ। मतलब आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ, लोग दमाद को आगे करते हैं। नजर बेटा, तू सियाना बंदा है, तू जाके देखा। यहाँ तो इस खानदान में इज्जत ही कोई नहीं मेरी। अरे वो कह रही है एक बंदा जाके देख सकता है, अम्मी आप जाए ना। बंदे का कहा है? और बंदे यहाँ पे सिर्फ हम लोग हैं। लोग दमाद को इज्जत देते हैं, सलाम मशवरा करते हैं, हर मामले में आगे करते हैं, यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा मुझे। अच्छा जाओ नजर बेटा, तुम चले जाओ। चढ़ाने के लिए और ये मोर सर के लिए जूते, ये शायद सर वाला। क्या कार्टून है तुम, जूते वाले मुंह पर चढ़ा रहे हो? अब जूतों पर चढ़ा के वहां नहीं रखना। आहिस्ता बोले, बड़ी इज्जत है मेरी। बात आपका मरीज उस बेड पर है। हीर, हीर में नजर, सोनी का खावन, क्या हालत हो गई है तेरी, कितनी सोच गई है तू। खैर तू तो बेहोश है, तुझे क्या पता। कौन बेहोश? छोड़ मेरा हाथ है, तो ये तो मर्द है। आपका मरीज उस बेड पर है, आइए इस तरफ। हीर, किसने कर दिया तेरा यह हाल मेरी बहन? नजर छोड़ेगा नहीं उसे जिसने तेरा यह हाल किया है। बड़े ताल्लुक आते मेरे। ये भी बेहोश है, आइए आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया, आइए। मैंने क्या किया जो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया? तू घबरा नहीं, सोती रह, मैं आ रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। बात असल में ये है कि आपकी जो मरीजा है ना, उनको बड़ी सीवियर किस्म की टीबी आई है। टीबी? टीबी? उसके तो भी हमने बर्तन भी अलग नहीं किए। मेरा मतलब है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमारे बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहब, उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अगर बगैर ऑपरेशन के इलाज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए जी, सर पे चोट लगी है, खून जमा हो गया है, खून निकला नहीं है, ऑपरेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मेरे भी सर पे चोट लगी थी, खून मेरा भी नहीं निकला था,
मेरे ख्याल में मुझे भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर जगम से टाइम लेते हैं, जितने पैसे लगेंगे हम देंगे, चाहे अब्बा बेचना पड़े हमें। क्या मतलब? अब्बा ऐसी बात की है, वैसे भी आपको कौन खरीदेगा है? देखिए भाई, डॉक्टर जगम से टाइम हम नहीं ले सकते। हाँ, वो बड़े मसरूफ आदमी हैं, उनके पास तो हफ्तों हफ्तों बल्कि महीनों महीनों टाइम नहीं होता। ठीक है जी, तो बस अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, तो ये है, मैं भोले मैकेनिक से बात करता हूँ, उसकी वर्कशॉप पर बड़े बड़े डॉक्टर्स अपनी गाड़ियां ठीक कराने के लिए आते हैं, बड़े ताल्लुक आते हैं उसके। उन्होंने कहा है कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर जैगम से टाइम लेना होगा। मैं अपने इलाके के एमपीए से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि डॉक्टर से टाइम ले। कॉल क्यों नहीं की? मिस कॉल किया, वो ऐसे फोन नहीं उठाता। मिस कॉल करो तो फौरन बैक कॉल करता है। जेदी पुत्र, उर्जा मम्मी, उर्जा सब ठीक हो जाएगा। नारो, उठो उठो, शाबाश। या मम्मी, तकलीफ उन शदीद, उन बहुत दर्द हो रहा है। जेदी, तू हीर के दर्द की वजह से इतना रो रहा है? मैं बहन रशाद को फोन करती हूँ, बताती हूँ उसे। जेदी ना हीर की तकलीफ की वजह से बहुत रो रहा है। ला या उम्मी, हाय, हीर की तकलीफ की वजह से नहीं रो रहा, मैं तो टीके के दर्द की वजह से रो रहा हूँ। हाँ। चुप कर, तो बचपन से टीके को देख के रोने लगता था। या उम्मी, इस बार तो मैंने टीका देखा ही नहीं, मेरे देखने से पहले ही जालिमों ने टीका लगा दिया। हाय, वो डॉक्टर अगर दुबई में होता ना तो मैं उसे रेत में ही दबा देता। जेदी चुप कर जा, अस्पताल जाना हीर का पता लेने, चल के तैयार भी होना, चला। मैंने मुश्तशफा नहीं जाना, अस्पताल नहीं जाना या उम्मी। हाय, क्यों अस्पताल क्यों नहीं जाना या उम्मी? डॉक्टरों का क्या भरोसा, क्या पता फिर से टीका लगा दे। अल्लाह मियां अगर आपसे नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और अगर डॉक्टर आपसे नाराज होता है तो अल्लाह मियां के पास भेज देता है। हाय, ओ तू क्यों फिक्र करता है, मैं हूं ना तेरे साथ, चला चल के तैयार भी होना है अभी। हाय या उम्मी, मोटरसाइकिल पे तो जा ही नहीं सकते। क्यों, मोटरसाइकिल खराब है? नहीं या उम्मी, मोटरसाइकिल पर बैठ कर टीके वाली जगह पे दर्द होता है। आई वाह, माफी मुश्किल, टैक्सी पे चलते हैं, टैक्सी पे, टैक्सी पे, जल्दी से आ जाओ, बस तुम तैयार भी होने। या उम्मी, आए तकलीफ शदीद लाए। जेदी, तुम आराम से सीट पे बैठ जाओ। ना या उम्मी, हाजा सीट दर्द करती है। क्या हुआ? टैक्सी की नहीं, मेरी। जल्दी टैक्सी चलाओ यार, जल्दी जल्दी। भाई जंप नहीं लगाना, ख्याल से चलाना टैक्सी। या सलाम, ओ या उम्मी, वो आगे मुश्किल, वो आगे तकलीफ। नासी बर्बाद, नासी बर्बाद। जल्दी बाहर निकल जाना। ला ला या उम्मी, मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक। या अखी, टैक्सी वाला भाई जल्दी चलाओ यार। दुआ की अपील, हमारी यूनिवर्सिटी फेलो हीर सिविल हॉस्पिटल में मौत और हयात की कश्मकश में है। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है, उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। वो ये वही है ना, वो चीप सी ओवर किस्म की लड़की। याप याप, क्या हुआ ऐसे? ये तो वो होश में आएगी तो पता चलेगा ना। तू बता, काफी स्टूडेंट उसका पता करना हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स किसी खैर पता करने के लिए जाएं, जो होश में हो वो बेहोश हो जाए, वो तो पहले से बेहोश है।
ये तुझे पता है फरियाल ने गाड़ी खंबे को मार दी और सारी यूनिवर्सिटी में गाती फिर रही है। मैंने गाड़ी खंबे से नहीं मारी, खंबा खुद मेरी गाड़ी से लग गया। एक बात बता लेते, ये लड़कियां एक्सीडेंट करने से पहले ब्रेक की जगह चीख क्यों मारती हैं? ये तो तुझे पता होगा ना, क्योंकि तू भी करता है। अब तो सोचा भी नहीं जा रहा कुछ, प्यास से भूख से बुरा हाल हो गया, रात का कुछ नहीं खाया हुआ मैंने। पी लो पानी, खाना भी पड़ा है जाके खा। अस्पताल का खाना खा लूं और पानी पी लूं? मैंने नहीं खाना अस्पताल का कुछ, मुझे उसमें से दवाइयों की बू आती है, आफ्टर ऑल दमाद हूं मैं। तो कौन जाएगा इस वक्त घर तुम्हारे लिए पानी लेने? पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। इरशाद, ये कैसी है? उसके लिए बहुत सारे फाला है, वो तो होश में ही नहीं आई अभी तक। हाँ, अलहीर उठेगी तो हाजा खा लेगी। ये इधर दे दो, जो उठे हुए हैं उनको कौन पूछ रहा है यहाँ पे। जेदी बेटा बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, आप मुझे कुछ और करने के लिए कह दे। अफलातून, जाओ जेदी और खाला के लिए बोतलें ले आओ। हाजा भाई, हेलो, जो प्यास से बुरा हाल हो रहा है, हमारे लिए अस्पताल का पानी और नए रिश्तेदारों के लिए बोतलें। हकीम साहब रहने दीजिए, कुछ मत मंगाइए, बस ये बताइए हीर को हुआ क्या है। होश में आएगी तो बताएगी ना। जल्दी ऑपरेशन करना होगा, डॉक्टर जैगम से टाइम मिला? जी जी, बंदे लगा दिए उनके पीछे, और भाई नजर ने भी मिस कॉल दिए। हाँ मैंने, बिल्कुल। अच्छा अफलातून, तुम नजर और जेदी को ले जाओ, अल्लाह करे डॉक्टर जैगम से टाइम मिल जाए, बाहर से नजर को कुछ खिला भी देना। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, चलो ये बेहतर। या अल्लाह खैर। जदी भाई जल्दी करें, नजर भाई टैक्सी में इंतजार कर रहे हैं। हाजा, मैं आ गया। ये अपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? हाजा लकी कपड़े, अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा जल्दी करें वरना डॉक्टर निकल जाएगा। आजा। ओके जाओ। देखिए आप लोग इस वक्त डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते, वो बिजी हैं, एक महीने बाद का टाइम मिलेगा। या सलाम। अरे भाई उनसे कहें नजर साहब मिलने आए। ये नजर साहब कौन है? अरे आप हैं यार। देखें एमपीए का फोन आ गया होगा, शायद डॉक्टर साहब नजर साहब का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाजा, शेख सालम का फोन आया होगा आपके पास कि वो जल्दी से टाइम दे दे। देखिए ऐसी कोई कॉल नहीं आई। ऐसी कोई कॉल नहीं आई तो फोन आ जाएगा ना आपको, अपना फोन बिजी ना रखें आप। और वैसे भी मेरे बहुत ताल्लुकात हैं उनके साथ, ये देखें कितने ताल्लुकात हैं मेरे, सारी तस्वीरें मेरी शेख सालम के साथ है, देखें जरा गौर से, इतनी सारी तस्वीरें, ये आपको गर्दन नजर आ रही है ना ऊंट के साथ, हाजा ये मैं ही हूं। हाजा देखिए आप लोग परे हो जाइए, डॉक्टर साहब ने जाना है। परे हो जाओ, वाजना जाया। वो पूछना था कि वो आपको किसी एमपीए गुलजार पोदीना की तरफ से फोन आया कोई? वो जी पोदीना से मुराद सब्जी नहीं, जात है उनकी। एग्जैक्टली। वो जी ऑपरेशन के लिए डेट चाहिए थी। प्लीज हाजा, अगर आप इंजेक्शन ना लगाएं तो मैं आपसे एक बात कहूँ, वो शेख सालम ने आपको ऑपरेशन करने के लिए कहा होगा। वो जी आप अपनी गाड़ी जहाँ से ठीक करवाती है ना, बाबा मोटर वाला। बाबा, बाबा क्लास फेलो है मेरा। क्लास फेलो? वो जी पांचवी में एक खट्टे साथ नकल करते हुए पकड़े गए थे। नकल में? एक मिनट, मसला क्या है? वो जी मसला ये है कि मेरी बहन के सर पर चोट लगी है, अब तक बेहोश है, सब कह रहे हैं डॉक्टर जैगम से ऑपरेशन कराएंगे, आप कर दें प्लीज। मैं डॉक्टर जैगम। अल्हम्दुलिल्लाह। इन तीन जीनियस से कहो कि डॉक्टर जैगम अभी गए हैं।
चला गया। लेशु तकलम। ये दक्तूरा। 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 दक्तूर। वो जा रहे डॉक्टर। दक्तूर। एक मिनट डॉक्टर। डॉक्टर साहब प्लीज टाइम चाहिए डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम चाहिए डॉक्टर। एक तो तुम लोगों ने बड़ा तंग किया, ये लो पकड़ो। नहीं डॉक्टर साहब मैं मांगने वाला नहीं हूँ डॉक्टर साहब। आप कह दो कि मेरी जेब कट गई। अबे हट्टे कट्टे हो काम किया करो, ये लो पकड़ो। क्या वो नजर भाई टाइम मिला? टाइम तो नहीं दिया डॉक्टर साहब ने, पैसे दे दिए। हैं? यानी वो आपको पहले से जानते थे? मुझे भी जानने वाले ही लग रहे थे, लेकिन उन्होंने पैसे क्यों दिए? अरे नजर भाई उनसे पूछ ले डॉक्टर जागम के घर का एड्रेस। जाए 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 जाए। प्लीज जी मेरी बात सुन ले, प्लीज जी मेरी बात सुन ले, प्लीज मेरी बड़ा जरूरी काम आ गया, ये मेरी बात सुन ले। मेरी मेरी ये भी पैसे दे के चली गई। क्या बताया उन्होंने? यार आफ्टर ऑल मैं ऐसा मार दूं, ये मुझे जानते ही नहीं। जानती होती तो ज्यादा दी थी। चलो मैंने खुद देखा है हीर को, अभी तक बेहोश है, बहुत सीरियस कंडीशन है। हो सो सैड। वैसे उसे हुआ क्या? हेड इंजरी हुई है, बहुत सीरियस किस्म की। वो तो ठीक है, लेकिन उसको हुआ क्या? ऑपरेशन जितना डिले हो रहा है उतना डेंजरस है। किसका ऑपरेशन? ऐसे केस के लिए बेहतरीन डॉक्टर जिगम है, लेकिन बेचारे हीर के पेरेंट्स उन्हें बुक ही नहीं कर पा रहे। अगर फौरन ऑपरेशन ना हुआ तो हीर बच नहीं पाएगी। कौन? हीर की बात कर रही है? बहुत दुख हुआ हीर का सुन के। वैसे ये हीर है कौन? अब ये ना पूछना हीर लड़का है या लड़की। ये रोमियो का क्या? बड़ा कहना था लकी शॉट। अब हकीम लुकमान है जी। मेरी बीवी को काली खांसी है, कोई टोटका बता देंगे? खांसी को कली करा लो, चिट्टी हो जाएगी। अरे क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने तो पूरी कोशिश की, अब डॉक्टर जैगम के साथ टाइम नहीं मिलना तो इसमें आपका क्या कसूर है? इरशाद, बेबस बाप से ज्यादा बेबस कोई नहीं होता। मेरी बच्ची मेरे सामने सांसें गिन रही है और मेरी पहुंच ही नहीं। अरे खुदा तक तो पहुंच है ना, वो सबसे बड़ी पहुंच है ना? आपकी तो बड़ी पहुंच है, डॉक्टर जैगम आ रहे हैं, आप लोग पीछे हट जाइए। जेदी ने अपने शेख साहब को फोन किया था, देखा चुटकियों में काम हो गया। ओ हाँ जी, मैं तो कब से लोगों को SMS किए जा रहा हूँ, शेख सालम को किए शदीदन शदीद। After all, मैं तो माद हूँ, तो मुझे ज्यादा फिक्र होती है। मैंने भी MPA पोदीना को बड़ी मिस कॉलें की थी, मिस कॉलें देख के वो समझ गए होंगे कि मेरा कोई जरूरी काम पड़ गया है और मेरा काम वो कभी नहीं मोड़ते। अब्बा, मैंने भी। तू तो चुप कर। बस दुआ करें कि अब अपनी हीट ठीक हो जाए। हाँ जा, मैं अभी जाके मिठाई लेके आता हूँ। ओ भाई हेलो, रुक जा, ठीक तो लेने दे, मिठाई लेके आता हूँ, आराम से बैठ इधर। बैठा ही तो नहीं जाता भाई, आप मुझे कोई और काम करवा लेना है। ऑपरेशन करना होगा, आपके साइन चाहिए। मतलब आफ्टर ऑल मैं एकदम आ तू, मेरी कोई इज्जत है नहीं है यहाँ पे, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। आप कर दो बेटा। आपका पेशेंट से रिश्ता? मैं मरीजा का बहनोई हूँ, सगा वो भी बड़ा। कोई करीबी रिश्तेदार है? हाजा, मैं हूँ करीबी रिश्तेदार होने वाला।
आप बात है आप ही कर दे। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस माशरे में, को पूछ ही नहीं रहा मुझको, हाथ धो गई मतलब। दीदी भाई अपना मोबाइल देना, वो बाबा मोटर वाले का शुक्रिया अदा करना है। हाँ किस बात का शुक्रिया? अरे उसी ने तो डॉक्टर जगम को फोन किया था, गाड़ी सही करवाने के पैसे नहीं लेता लेकिन पैसे इकट्ठा करके ऑपरेशन करवा लेता है। हाँ मुझे भी शेख सालम को फोन करके उसका शुक्रिया अदा करना है, एक सेकंड रुको। हेलो अस्सलाम वालेकुम या शेख। शेख अना अलजेदी जेदी अल पाकिस्तान है। आप पंजाबी में क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा रॉन्ग नंबर सॉरी। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस अस्पताल में। हाय अल्लाह आपकी तो इज्जत हमेशा खतरे में रहती। पहले घर में नहीं थी, आप अस्पताल से भी चली गई। यार आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ। मैंने पीए पुदीना को फोन करके कहा था कि बच्ची की सर्जरी करवानी है, उन्होंने कहा करा ले, मेरा नाम ही कोई नहीं बीच। पुदीना से मुराद सब्जी नहीं जात है उनकी। हकीम साहब ये ऑपरेशन और कितना लंबा चलेगा? पता नहीं, अंग्रेजी दवाइयाँ दे दे के कहीं मेरी बच्ची के गुर्दे ना फेल कर दे। और यहाँ हकीमी दवाइयाँ नहीं देते। डॉक्टर लगता है आप बहुत स्लो ऑपरेशन करते हैं, दुबई में तो बहुत तेजी से कर जाते हैं वो। मेरी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? कुछ तो बोले, इन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। खुदा आपका खौफ करे यार, डॉक्टर जवाब दे दे, पता है क्या मतलब होता है इसका? किन जाहिलों में फंस गया हूं मैं। देखें बच्ची का ऑपरेशन कामयाब हो गया, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे कितने नंबरों से हुआ है, मैं तो 33% लेकर इम्तिहान में कामयाब हो रहा था। वो डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। वो आपको पुदीना साहब का फोन आया था? पुदीना साहब? हाँ। ओ पुदीने से मुराद सब्जी नहीं जात है, इनके इलाके का एमपी है। हाँ एमपी है। और नहीं नहीं आपको जरूर शेख सालम ने फोन किया होगा, इसी वजह से तो आपने इतनी तेजी में ऑपरेशन किया। ओ बाबा मोटर वाला, उसने आपको फोन किया होगा, सलाम कह रहा था आपको, मेरा क्लास फेलो है। अब बेटी को मेरी जल्दी होश आ जाए। बाबा मोटर वाला, बाबा मोटर। कल आप उनको ले आना, बस उनको दवाई खिलाते रहे। पापा भाई ने मेरे खाने में छिपकली डाल दी है। हाँ हाँ खिलाएं उसे, ये उसे खिलाना है, बहुत जरूरी है। क्या भाई को छिपकली खिला दूं? हाँ दिन में 3 दफा पाबंदी के साथ। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा अपनी मामा से जाके बात करो। हाँ जी ठीक है, दोपहर में।
ओके। वर्किंग डे का नहीं, संडे का लंच रख लेते वहीं पर। मामा, भाई ने मेरी प्लेट पे छुपकली रख दी है और मैं उसे खाने लगी थी। एक्सेलेंट लंच है, मैंने जब भी खाया बहुत एंजॉय किया है। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? आई नो, ये जो नई एक्ट्रेसेस हैं, नए ड्रामों में नए एक्सप्रेशन तो लाती नहीं है, बस प्लास्टिक सर्जरी करा के नए चेहरे ले आती है। हम प्लास्टिक सर्जन की मौज है। बेटा ओ, तुम्हें तो खांसी हो रही है, फौरन सिरप ले लो, एहतियात करना चाहिए बेटा। एहतियात करनी चाहिए बोलने से पहले। वो तुम्हें बताना था कि रोली बाजी आ रही है आज तुमसे मिलने। मुझसे तो टाइम नहीं लिया उन्होंने, सॉरी आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे। वो तुम्हारे क्लिनिक में नहीं, घर पे आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तो मिलके गई है, अब फिर से वो रोली बाजी अपनी बेटी रानिया का रिश्ता हमारे रोमियो से करना चाहती हैं। ये तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? हमारे रोमियो में क्या कमी है? हमारे रोमियो में कोई कमी नहीं, लेकिन रोमियो को खुद डिसाइड करना चाहिए ना कि वो किससे शादी कर रहा है। मैं रोमियो से बात कर लूंगा। रोमियो को शान से पसंद है और मुझे भी, और मैंने रोली बाजी से वादा किया है। मेरे क्लिनिक का टाइम हो गया है। हेलो, कौन सी एक्ट्रेस? बचाओ बचाओ, मैं आ रही हूँ। आई नो, सीरियसली? हाँ ठीक ठीक। पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बताओ बेटा। रोमियो ने मेरे खाने में छुपकली डाल दी है और मैं उसे खाने लगी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। Good. Okay, बेटा, खुदा हाफिज़। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? चलो। हाँ। नजर भाई के लिए जूस क्यों नहीं बचा? इज्जत ही नहीं है कोई मेरी। अरे इज्जत तो है लेकिन जूस नहीं है, लगता है दुकानदार ने एक कम दिया है। आप मेरा जूस पी लें। मैंने नहीं पीना किसी का जूस। नजर भाई आप मेरा जूस पी लें। मैं किसी का जूस नहीं पीऊंगा, प्यास से मर जाऊंगा लेकिन जूस नहीं पीऊंगा। फलातून, नजर को ये जूस दे दो, मैंने अभी नहीं पिया। नहीं नहीं अब्बा आप रहने दें। जेदी भाई आपने अभी जूस पीना शुरू तो नहीं किया ना? बस शुरू ही करने लगा था। थैंक यू, स्ट्रॉ भी दो। तुम ये ले लो बेटा। ला ला, शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो, मरीजा को होश आ गई। नहीं अभी नहीं मिल सकते, अभी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर मैं बारी बारी मिलवा दूंगी। खुदा ने तुझे नई जिंदगी दी है। खीर, हमें तो लगा कि तू भाग गई है। और ये बता, तूने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? हमें तो लगा था तू इतनी बहादुर है, लेकिन तूने ये टाइम नहीं है ऐसी बातें करने का। चुप कर जा।
ओए होए ओए होए आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात भी है, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। ओए होए हीर की तबीयत बहुत खराब है। अरे नहीं, अब तो हीर बहुत बेहतर है। मैं तो हूं ही झूठा, झूठ बोल रहा हूं मैं। किसी को इतबार ही नहीं मेरी बात पे। बहन जी आप मिल लें हीर से। जी चला आओ, हीर से मिला चल के। تعال يا امي تعال. وين هير؟ هذا هير؟ لا 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 هذا ماشي هير. وينك هير؟ تعال تعال. خلالا يا امي هير تعال. هير ميري لاڈو راني كيسي هي؟ هذا هير تم ٹھیک تو ہو نا؟ پتہ ہے جب سے جیدی کو پتہ چلا ہے نا تیری طبیعت خراب ہے, सौ रबी पूरी रात तकलीफ से नहीं सोया। या उम्मी, ये कैसी बातें कर रही है? मेरे टीके के बारे में इसे बताने की क्या जरूरत है? दूसरी बात बताएं। दूसरी कौन सी? डॉक्टर वाली, डॉक्टर वाली। आई वाह आई वाह, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। पता है जेदी ने अपने शेख सालम को फोन करके कहा था कि अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर हीर का इलाज करेगा। क्या नाम था भला उसका? डॉक्टर सिगम। सिगम, सिगम, मर जाने का इतना आसान नाम है, उसके इलाज की वजह से तेरी जान बची है, पता है तुझे? क्यों जेदी? बस हीर, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हमारी शादी हो सके। यौमी हज़ा गल्पान खतर, यौमी ले चलो मैंने गाड़ी में बैठ। बचाओ! बैठ गाड़ी में, चिल्लाएगी तो अलग से जबान निकाल लूंगा। चल अरे भैया, तो रिलैक्स है यार, बिल्कुल। तुम तो काम खाते टेंशन ले रही थी। चलो जब तक तो ये इंजेक्शन खोलो, आप ये इंजेक्शन खोलो, ये मुझे दो। ब्लड प्रेशर देखना, वो शूट अप ना हो, ठीक है? मैं दो चीजें बस चेंज कर रहा हूं। क्या करें अब इसका, मैं तो बहुत परेशान हो गया। नजर बेटा, यहाँ कोई काम तो है नहीं, तू घर चला जा। क्यों, काम क्यों नहीं है? वो जो आयादत करने वाले फल फ्रूट लाते हैं वो किसने खाने हैं? रेडी पे जो सबसे सस्ते वाले माल्टे होते हैं उन्हें तुम फल फ्रूट कहते हो?
नजर बेटा तुम थक गए होगे, घर पे थोड़ा सा रेस्ट कर लो। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ, मेरी कोई इज्जत है? मोहल्ले वाले मुझसे पूछेंगे हीर को क्या हुआ, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि हीर ने खुद टक्कर मार दी गाड़ी को? नहीं, मेरी हीर ऐसा नहीं कर सकती। हाँ वैसे अब्बा, अगर नजर भाई महीना बार अस्पताल में रुक गए ना, तो इन्होंने तो आधा डॉक्टर बन जाना। वैसे मैंने हिसाब लगाया है, लेकिन अस्पताल वालों को भी इतनी डॉक्टरी आती है जितनी हकीम साहब को हकीम। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा यही मतलब है। वैसे अब्बा, मैंने महीने भर में अस्पताल में इतने ताल्लुकात बना लिए हैं कि अगर नजर भाई अस्पताल में दाखिल हो तो हमारा कोई खर्चा ना हो। मुझे कराओ बीमार। नहीं मतलब मैं क्यों अस्पताल में दाखिल हूँ, मुझे क्या बीमारी है? नजर भाई फर्ज किया है, फर्ज। हर भैड़ी चीज मुझ पर ही क्यों फर्ज करनी है? आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ, मेरी कोई इज्जत है? यहाँ नहीं तो क्या हुआ, बाहर तो है। हीरा बिल्कुल ठीक हो गई है, कमरे में भी शिफ्ट कर दिया उसको। उसे हुआ क्या है? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है? हीर को हेड इंजरी हुई है। Show me your